हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपने अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो शुरू होता है मेरा ब्लॉग। तो आज ब्लॉग में कुछ मैं दिखाने वाली नहीं हूँ क्योंकि आपने मेरा थंबनेल तो देख लिया होगा। मैंने थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि मैं किन औरतों से प्रोत्साहित हुई, किन औरतों से मैं इंस्पायर हुई, तब मैं यूट्यूब में आई। तो आज मैं इसी बारे में आपसे डिस्कस करूंगी और आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और एक सपोर्ट भी आपका मुझे बनता है। तो गाइज, जिन वुमेन से मैं इंस्पायर हुई, आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी क्योंकि उन्हीं को देखकर मैं भी आज यूट्यूब पर पहुंची और मुझे सच में यकीन नहीं होता है कि मैं भी यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। बेशक अभी शुरुआत ही है लेकिन कर तो रही हूँ, हिम्मत तो कर रही हूँ। वैसे कई लोगों के लिए ये सब मजाक होता है कि क्या कर रही है, वीडियो बना रही है और डाल रही है, लेकिन मैं, जो लोग भी मेरा किसी तरह से कोई भी मजाक उड़ाते हैं, मैं उनसे ऐसा बोलना चाहती हूँ कि आप एक बार ट्राई करके देखें। ये वाला काम इतना आसान नहीं होता जितना देखने में लगता है कि वीडियो बना देती है और डाल देती है, लेकिन जिन प्रॉब्लम्स को मैं फेस करती हूँ वो मुझे ही पता है। तो गाइज, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी वो महिला। वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल महिला है मेरे लिए क्योंकि मैं सबसे पहले उनके ही ब्लॉग देखती थी, तो वो है मधु ठाकुर जी। तो मधु ठाकुर जी के मैं बहुत सारे ब्लॉग देखती थी क्योंकि वो एक सिंपल महिला हैं और अपनी डेली रूटीन, अपने गांव की रूटीन, अपनी छोटी छोटी सी चीज़ वो अपने ब्लॉग में दिखाती थी। मतलब उनमें किसी तरह की कोई भी हेजिटेशन या मतलब किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं थी। वो मतलब सरेआम अपनी किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छी तरह से पेश करती हैं। तो मैं उन्हीं को देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और फिर मेरा मन हुआ कि मुझे भी यूट्यूब पर आना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं डिस्कस करूँगी हिमाचली मॉम स्टूडियो। उनका नेम तो मैं नहीं जानती हूँ लेकिन मैंने उनके बहुत से ब्लॉग देखे हैं और मैं देखती हूँ, क्या अभी भी देखती हूँ मैं उनके ब्लॉग, और सभी के ब्लॉग मैं अभी तक देखती हूँ। तो उन्हीं से मैं इंस्पायर होकर फिर तभी मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो हिमाचली मॉम स्टूडियो भी एक सिंपल जैसी महिलाएँ, सिंपल जैसी वुमेन्स हैं। वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही पसंद है मुझे वो। तो उनको भी देखकर मुझे ऐसा लगा कि जब हर महिला कर सकती है, कोशिश कर सकती है, वो भी हाउस वाइफ हैं, वो अपने घर का सारा काम करते हैं, उसके बावजूद वो ब्लॉग बनाते हैं और खुद एडिटिंग करते हैं, तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मैं भी ये काम आसानी से कर सकती हूँ। कई बार ऐसा होता था, जैसे कई बार मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम इकट्ठे बैठ के फ़ोन देखते थे। जो चीज़ वो देख रहे हैं मैं भी उसमें लग जाती थी देखने, बैठ जाती थी, या मैं जो चीज़ देख रही हूँ वो भी लग जाते थे देखने। तो कई बार मैं ब्लॉग देखती तो वो भी देखते थे। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे भी ब्लॉग बनाने हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बना सकती हूँ, कोशिश करूँगी तो बना सकती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे किसी भी बात का कोई भी एतराज़ नहीं किया। उन्होंने बोला कि अगर आपको अच्छा लगता है ये काम, अगर आप कर सकती हैं तो आप करिए, मेरी तरफ से कोई भी एतराज़ नहीं है। तो फिर मैंने उन्हीं से इजाज़त ली और फिर अपना काम स्टार्ट किया। और जब मुझे मेरे हस्बैंड से इजाज़त मिल गई तो फिर मैंने टेक चैनल देखना स्टार्ट किया और एक पेन और एक नोटबुक ले लिया और उसमें जो भी मैंने चीज़ सीखती थी मैं उनको नोटबुक पे नोट कर लेती थी। और इसी तरह से मैंने एडिटिंग सीखी, पूरी एडिटिंग सीखी। और फिर मैंने अपना चैनल बनाया। चैनल बनाने पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, इतनी मैंने प्रॉब्लम्स फेस की। कई बार मेरी कोई चीज़ नहीं होती थी, कई बार कोई चीज़ नहीं होती थी, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम मैं फेस करती ही रहती थी। जब तक मैं किसी चीज़ को कर नहीं लेती थी तब तक मैं उस चीज़ के पीछे पड़ी रहती थी। और फिर फाइनली मुझे सक्सेस ज़रूर मिलती थी और फिर मुझे अपने आप पर प्राउड भी होता था कि मैं चाहे कर रही हूँ, किसी न किसी तरह से मैं उस प्रॉब्लम से ज़रूर निकल रही हूँ। तो क्या, तो गाइस तीसरे नंबर पर मैं डिस्कस करूँगी माउंटेन गर्ल। जो माउंटेन गर्ल है वो भी मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही क्यूट है वो।
और उनके ब्लॉग मुझे अच्छे लगते हैं, उनका डांस मुझे अच्छा लगता है। मैं उनकी मैक्सिमम हर वीडियो देखती हूँ, तो उनको देखकर भी मुझे बहुत ही मतलब हिम्मत हुई कि अब तो मुझे यूट्यूब पे जाना ही है और किसी न किसी तरह से मुझे जाना ही है। तो गाइस, वैसे हिमाचल में जो हैं बहुत सारे ब्लॉगर हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि सब कामयाब हों और उनको उनकी कामयाबी के बाद मुझे भी कामयाबी मिले। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि और मैं मतलब यूट्यूब में मैं भी सक्सेस पाना चाहती हूँ, मैं भी कामयाब होना चाहती हूँ। तो जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा होगा तो उनसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो गाइस, एक इंडियन ब्लॉगर हैं निमाज कॉर्नर, वो भी बहुत ही अच्छी ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं। उनकी भी मैं बहुत ही वीडियोस देखती थी, उनके कई बार ब्लॉग भी देखती थी। तो बहुत ही वो भी बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरी हुई हैं और मतलब बहुत ही अच्छे ब्लॉग वीडियोस बनाती हैं। तो उनको देख कर भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। और गाइस, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और जो भी मेरी वीडियो देखता है मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी किसी तरह की कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। और अभी मुझे हार्डली एक महीना ही यूट्यूब पर हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे मतलब मेरी मतलब उतनी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इम्प्रूव करूँगी अपने ब्लॉग्स में। तो अभी मुझे काफ़ी चीज़ों में दिक्कत हो जाती है, कई बार मुझे एडिटिंग में दिक्कत हो जाती है, कई बार जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ तो मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। मैक्सिमम कोई भी मैं म्यूज़िक डाल देती हूँ तो मतलब मेरी काफ़ी वीडियोज़ जो हैं ख़राब भी हो चुकी हैं, जिनको मैंने डिलीट कर दिया है। तो इतनी मेहनत के बाद जब वीडियोज़ ख़राब होती है तो फिर डिलीट करना पड़ती है, तो मेरे साथ काफ़ी बार वो भी हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं काम करती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी अगर आपका सपोर्ट मुझे रहा। तो गाइस, ये थी आज मेरी वीडियो उन महिलाओं के बारे में जिनसे मैं इंस्पायर हुई और मैं यूट्यूब में आई। तो गाइस, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जो मेरे चैनल पे या मेरी वीडियो में पहली बार आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।